आईपीएल 2020 का 39वां मैच कोलकाता और बेंगलोर की टीमों के बीच अबू धाबी में 21 अक्टूबर को खेला जाएगा और आज इस वीडियो में हम दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 का 10 अलग अलग आंकड़ों के आधार पर कंपैरिजन करने वाले हैं। दोस्तों पिछले 18 प्रिडिक्शन में से 15 प्रिडिक्शन हमारी सही रही है और इस वीडियो में भी पूरे सटीक आंकड़ों पर बात करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, बहुत चौंकाने वाले स्टैट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन है तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक बटन को भी हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों के ओपनर्स के कंपैरिजन की। यहाँ पर एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम पिछले 5 मैचों के आंकड़ों को कंपेयर करने वाले हैं ताकि करंट फॉर्म का भी पता लग सके, क्योंकि दोस्तों अगर हम पूरे आईपीएल के आंकड़ों को कंपेयर करेंगे तो वहां से हमें करंट फॉर्म, खिलाड़ियों के करंट फॉर्म का पता नहीं लगे। अगर हम ओपनर्स की बात करें तो केकेआर की तरफ से शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, तो वही आरसीबी की तरफ से देवदत्त पड्डीकल और एरन फिंच करते हुए नजर आएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अब बात आंकड़ों की। सबसे पहले दोस्तों अगर हम केकेआर के ओपनर्स की बात करें तो इन्होंने पिछले 5 मैचों में 229 रन कंबाइंडली इनके ओपनर्स से बनाए केकेआर के, जिसमें इनका औसत लगभग 25 का है और स्ट्राइक रेट लगभग 105 का है। दूसरी तरफ आरसीबी के ओपनर्स ने कंबाइंड रूप से पिछले 5 मैचों में 217 रन किया है, एवरेज दोस्तों इनका 22 के लगभग का है और स्ट्राइक रेट 102 का है। दोनों ही आंकड़े आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दोनों ही आंकड़े चीख चीख कर साफ साफ आपको बता रहे हैं कि ओपनर्स के मामले में दोनों ही टीमें बराबरी पर है, टाई होता है यहाँ पर। ओपनर्स के मामले में कोई भी टीम एक पर, मतलब एक दूसरे पर भारी नहीं पड़ रही। चलिए दोस्तों बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस मैच के लिए आप टीम देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसी ही टीम हमारी रहने वाली है सौरव गांगुली के खिलाफ। दोस्तों सौरव गांगुली ने अपनी टीम बनाई है माई 11 सर्कल ऐप पर, और अगर आप दादा की टीम को हरा देते हैं तो आपको अपने जीते हुए अमाउंट का डबल पैसा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक के बराबर जाइए, माई 11 सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और अपना पहला पैसा डिपॉजिट करेंगे तो इस ऐप की तरफ से 1500 रुपए फ्री कैश बोनस, मुफ्त में फ्री में आपको पैसा मिल जाएगा। 20% का स्पेशल डिस्काउंट हमारे प्यारे प्यारे फैमिली मेंबर्स, मतलब सब्सक्राइबर्स के लिए, मतलब आप में से किसी को मिलेगा 20%, किसी को क्या सबको ही मिलेगा, लेकिन किसी को मिलेगा 1 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आप में से सबको 20% मिलेगा, लेकिन आप में से कोई एक करोड़ रुपए भी जीत सकता अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है। साथ ही दोस्तों बड़े बड़े खिलाड़ियों का भरोसा, राशिद खान, शेन वॉटसन और दादा यहाँ पर टीम बनाते हैं। पैसे डालना निकालना प्लेइंग 11 बनाना बहुत आसान है, बहुत सारे लोग जीत भी चुके हैं, तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स खोलिए, माय 11 सर्कल ऐप को फटाफट डाउनलोड कीजिए। और एक और चीज दोस्तों, आईपीएल की एक एक खबर, गिव अवे की अपडेट्स, गिव अवे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है टेलीग्राम पर। और क्रिकेट के प्रेमियों के लिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना, सदाबहार बगीचा है हमारा टेलीग्राम, तो कुछ नहीं करना आपको, टेलीग्राम पर भी जाइए, माई क्रिकेट प्रोडक्शन को सर्च कीजिए, फॉलो कर लीजिए, लगभग 22-23 हजार हमारे मेंबर्स हैं, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर की। अगर हम बात करें केकेआर के मिडिल ऑर्डर की, तो नंबर 3 पर नीतीश राणा, नंबर 4 पर रोहित मॉर्गन और नंबर 5 पर दिनेश कार्तिक उतरेंगे, कप्तान रोहित मॉर्गन रहेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों आरसीबी की तरफ से नंबर 3 पर कोहली, नंबर 4 पर एबी डिविलियर्स, नंबर 5 पर गुरकीरत सिंह उतरेंगे। पिछला मैच जैसा था दोनों ही टीमें लगभग वैसी ही जा रही है, लेकिन अब पिछले 5 मैचों के आंकड़ों की बात करें, अगर हम दोस्तों मिडिल ऑर्डर की बात करें केकेआर की, तो पिछले 5 मैचों में इनके मिडिल ऑर्डर ने कंबाइंड रूप से 299 रन किए हैं, लगभग 20 का एवरेज और 107 का स्ट्राइक रेट रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों आरसीबी के मिडिल ऑर्डर ने कंबाइंड रूप से पिछले 5 मैचों में 415 रन किए हैं, एवरेज लगभग 38 का, काफी अच्छा एवरेज और स्ट्राइक रेट भी 130 का है। दोनों ही आंकड़े आपकी नजरों के सामने है, आपकी आंखों के सामने है, और दोस्तों यहाँ से आप खुद ही चूज कर सकते हैं कि आरसीबी का पटला भारी है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है, क्योंकि विराट ये भी खेल रहा है। बट डेफिनेटली अगर मिडिल ऑर्डर के कंपैरिजन की बात करें तो आरसीबी यहाँ पर अपर हैंड लेकर बैठा हुआ है। मिडिल ऑर्डर के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं लोअर ऑर्डर की। अगर हम केकेआर के लोअर ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर नंबर 6 पर रसल, नंबर 7 पर पैट कमिंस की एंट्री हो सकती है, सुनील नरीन के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी एंट्री हो सकती है क्योंकि उनका एक्शन हो गया है, तो फिर अगर नरीन की एंट्री करानी पड़ेगी तो कमिंस को बाहर बैठना पड़ेगा। आगे इस पर और अपडेट जैसा कि कहा टेलीग्राम पर मिलेगी। दूसरी तरफ आरसीबी की टीम की तरफ से नंबर 6 पर वॉशिंगटन, नंबर 7 पर क्रिस मॉरिस उतरेंगे। अब लोअर ऑर्डर दोनों का ही अच्छा है, लेकिन आंकड़ों की बात दोस्तों, सबसे पहले हम बल्लेबाजी आंकड़ों की बात करेंगे। पिछले 5 मैचों में अगर हम केकेआर के लोअर ऑर्डर की बात करें, कंबाइंड रूप से 5 मैचों में 137 रन ये लोग कर चुके हैं, एवरेज लगभग 15 का, स्ट्राइक रेट 126 के समथिंग का है। दूसरी तरफ दोस्तों आरसीबी के लोअर ऑर्डर के गैलन, अपने बल्लेबाजी आंकड़ों की हम बात करें तो पिछले 5 मैचों में 65 रन ही कर सके, एवरेज 16 का है, स्ट्राइक रेट 164 का है।
दोस्तों लोअर ऑर्डर के दोनों आंकड़े आप देख पा रहे होंगे। लोअर ऑर्डर में आपको एक चीज थंब रूल मैंने आपको बताया है कि जब भी आप इन आंकड़ों को देखें, स्पेशली लोअर ऑर्डर में, तो आपको स्ट्राइक रेट देखना है, क्योंकि लोअर ऑर्डर में स्ट्राइक रेट ही काम आता है। जो ज्यादा तेजी से रन बनाएगा उसकी टीम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। यहाँ पर दोस्तों वैसे तो बराबरी दिख रही है दोनों आंकड़ों में, लेकिन आरसीबी के जो लोअर ऑर्डर खिलाड़ी हैं उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, तो मैं हल्का सा तराजू झुका सकता हूं दोस्तों यहाँ पर, बहुत हल्का सा आरसीबी की तरफ, क्योंकि स्ट्राइक रेट बेहतर है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं लोअर ऑर्डर के गेंदबाजी आंकड़ों की, इन्हीं खिलाड़ी की। अगर हम रसल की बात करें, अगर हम सुंदर की बात करें, मॉरिस की बात करें, कमिंस की बात करें, ये गेंदबाजी भी करते हैं और इसीलिए हम इनके गेंदबाजी आंकड़े भी देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर केकेआर के लोअर ऑर्डर के गेंदबाजी आंकड़ों की बात करें, तो पिछले 5 मैचों में इन्होंने 2 विकेट निकाले हैं, 11.2 का इकोनॉमी रेट रहा है। तो वही दूसरी तरफ दोस्तों आरसीबी के लोअर ऑर्डर ने पिछले 5 मैचों में 13 विकेट निकाले हैं, इकोनॉमी रेट 6.0 का रहा है। एक आधार बना है इनका लोअर ऑर्डर स्पेशली गेंदबाजी में, और आरसीबी की सक्सेस का बहुत बड़ा कारण है ये। और यहाँ पर साफ साफ पटला लोअर ऑर्डर के गेंदबाजी आंकड़ों में कंबाइंड रूप से आरसीबी की तरफ झुक जाता है। दोस्तों 4 अलग अलग आंकड़ों के आधार पर कंपैरिजन कर चुके हैं और अभी तक आरसीबी की तरफ पूरा मैच झुकता हुआ नजर आ रहा है। 5वां आंकड़ा है गेंदबाजी का, कौन सी टीम के पास बेहतर गेंदबाज है। अगर पिछले 5 मैचों के आंकड़ों की बात करें, केकेआर के गेंदबाजों की बात करें, तो 8वें स्थान पर कमिंस, 9वें स्थान पर मावी, 10वें स्थान पर वरुण चक्रवर्ती और 11वें स्थान पर लॉकी फर्ग्यूसन उतरेंगे। देयर इज नो चांसेस कि कोई चेंज इसमें हो। आरसीबी के लोअर ऑर्डर में नंबर 8 पर उडाना, नंबर 9 पर नवदीप सैनी, नंबर 10 पर युजवेंद्र चहल, नंबर 11 पर एस अहमद उतरेंगे। यहां भी कोई बहुत बड़ा चेंज होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अब आंकड़ों की बात, पिछले 5 मैचों में केकेआर के लोअर ऑर्डर ने 10 विकेट निकाले हैं, इकोनॉमी 7.5 का रहा है। तो वही दोस्तों आरसीबी के लोअर ऑर्डर ने पिछले 5 मैचों में 9 विकेट निकाले हैं, इकोनॉमी 8.5 का रहा है। कोई बहुत बड़ा अंतर साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन इकोनॉमी के मामले में हल्का सा ये तराजू केकेआर की तरफ झुका हुआ है। तो दोस्तों ये 5 अलग अलग पैमानों पर 10 अलग अलग आंकड़े हमने आपको बताया और कंपेरिजन किया। कंपेरिजन के बाद एक चीज निचोड़ कर जो सामने आई वो यही थी, इस मैच में आरसीबी का पटला भारी रहेगा, आरसीबी इस मैच को जीत सकता है अभी की परिस्थिति में। आंकड़े इस बात को बोल रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपके हिसाब से कौन सी टीम को जीतना चाहिए। YouTube ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया तो कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।